दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुरान करीम का आप एक ऐसा मौजज़ा देखोगे जिसको देखकर आप भी सुबहान अल्लाह कह उठोगे। दोस्तों, अफ्रीका के एक समुंदर के अंदर जब एक टीम कुछ खोजने के लिए निकली हुई थी, तभी उनको वहां पर कुरान करीम पड़ी हुई नज़र आती है। दोस्तों, वीडियो में आप देख ही रहे होंगे कि इतने बड़े समुंदर के अंदर और इतनी गहराई के अंदर कुरान करीम पड़े रहने के बावजूद भी कुरान करीम का कुछ नहीं बिगड़ा, वैसा का वैसा ही है। दोस्तों, ये अल्लाह ताला का मुआजिज़ा नहीं है तो और क्या है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही ने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, यह कुरान करीम कितने दिन समंदर के अंदर पड़ा रहा, लेकिन इसकी एक भी आयत नहीं मिटी। दोस्तों, कुरान करीम ये अल्लाह ताला की एक सच्ची किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। और दोस्तों, आप देखिए कि अब रमज़ान चला गया है, लेकिन हमारे नौजवान अब कुरान करीम को उठाकर भी नहीं देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कुरान करीम सिर्फ रमज़ान में पढ़ने के लिए नहीं उतारा गया, जब भी मौका मिले कुरान करीम पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।